विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के शांतिपूर्ण उपाय के बारे में बताया था आप लोगों को। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के बाध्यकारी उपाय क्या हैं उसके बारे में चर्चा करूंगी। युद्ध और बाध्यकारी साधनों में भी वैसे अंतर होता है, लेकिन बाध्यकारी उपाय हम किसे कहते हैं? जब मैत्रीपूर्ण साधन, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, वो विवादों का समाधान करने में असफल हो जाते हैं, तभी बाध्यकारी साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो शांतिपूर्ण साधनों तथा युद्ध के बीच कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनमें एक राज्य बल प्रयोग द्वारा अथवा दबाव द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। बाध्यकारी साधनों में शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाता, अन्यथा युद्ध की स्थिति भी बन जाती है। तो ओपनहाइम ने जैसा कि कहा है, मतभेदों के समाधान के बाध्यकारी साधन वे कहलाते हैं जिनमें बाध्यता का थोड़ा अंश होता है और इसका प्रयोग एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध इस उद्देश्य से करता है कि वह पहले राज्य द्वारा वांछित रूप से मतभेदों के समाधान को स्वीकार कर ले। अर्थात युद्ध से पूर्व भी प्रयास किए जाते हैं कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय या दो राज्यों के बीच में विवाद हो, दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो, उनका समाधान बाध्यकारी उपायों के द्वारा किया जाए। तो जैसा कि मैंने बताया, युद्ध और बाध्यकारी साधनों में भी अंतर होता है, जो कुछ इस तरह से कहा जा सकता है कि युद्ध में हिंसा का प्रयोग किया जाता है जिसकी कोई मर्यादा नहीं होती, किंतु बाध्यकारी साधनों द्वारा दूसरे पक्ष को जो हानि पहुंचाई जाती है उसकी कुछ सीमा और मर्यादाएं अवश्य होती हैं। फिर दूसरा अंतर हम देख सकते हैं कि बाध्यकारी साधनों का प्रयोग करने के बाद जब दूसरा पक्ष मतभेदों का समाधान करने के लिए तैयार हो जाता है तो इसका प्रयोग बंद भी कर दिया जाता है, किंतु यदि युद्ध एक बार शुरू हो जाए तो एक पक्ष के झुक जाने पर भी दूसरा पक्ष लड़ाई बंद करने के लिए बाध्य नहीं होता या बाधित नहीं होता है। तो बाध्यकारी साधनों को विवाद वाले राज्य एवं अन्य राज्य युद्ध का कार्य नहीं समझते हैं, अतः इनका प्रयोग होने पर शांति के सामान्य संबंध भी बने रहते हैं। इसी तरह से जैसे युद्ध में विजेता को विजित देश पर मनमानी शर्तें थोपने का पूरा अधिकार होता है, लेकिन बाध्यकारी साधनों के प्रयोग में ऐसा संभव नहीं होता। तो इसलिए बाध्यकारी साधन युद्ध से बचाव के एक और पूर्व का कदम कहा जा सकता है। तो प्रतिकर्म, प्रत्यपहार, अधिरोध, शांतिपूर्ण नाकाबंदी, हस्तक्षेप आदि बाध्यकारी उपायों में से किसी न किसी मात्रा में बल प्रयोग पाया जाता है, और प्रत्यपहार के अतिरिक्त ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिकूल है, परंतु कुछ दशाओं में अंतर्राष्ट्रीय कानून इनकी वैधता भी स्वीकार करता है। ओपनहाइम ने इन उपायों और युद्ध में भेद करने के लिए कुछ अपने तर्क दिए हैं कि जैसे इन उपायों के प्रभाव हानिकारक होते हुए भी इन्हें युद्धकारी कार्यवाही नहीं माना जाता, और न ही संबंधित राज्यों द्वारा और न अन्य राज्यों द्वारा, जैसे दूतावास है, और इसी के साथ हम ले सकते हैं वाणिज्यिक या संधि संबंध बने रहते हैं। इसमें युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा निषिद्ध उपायों को छोड़कर अन्य किसी भी हिंसात्मक उपाय का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु ये जो उपाय हैं, जैसे प्रत्यपहार है, प्रतिकर्म है आदि उपायों में सीमित रूप में ही हिंसा का प्रयोग किया जा सकता है। फिर जैसे युद्ध छिड़ने पर विजेता राज्य अपनी मूल मांगों तक सीमित न रहकर कोई भी व्यवस्था पराजित राज्य पर थोप सकता है, परंतु युद्ध के अतिरिक्त अन्य बलात् उपाय विरोध पक्ष द्वारा मूल मांगों को स्वीकार कर लिए जाने पर समाप्त कर दिए जाने चाहिए। तो शांतिपूर्ण और बाध्यकारी साधनों में मुख्य अंतर हम देख सकते हैं किस प्रकार किए जाते हैं। जैसे शांतिपूर्ण साधनों द्वारा विवादों के निपटारे में बल का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि बाध्यकारी जितने भी साधन हैं उसमें सीमित दबाव एवं बल प्रयोग पर आधारित होते हैं ये।
फिर शांतिपूर्ण साधनों के प्रयोग पर राजनयिक संबंध बने रहते हैं और इनका प्रयोग दूतों के माध्यम से किया जाता है, जैसा कि मैंने पूर्व के व्याख्यान में आप लोगों को बताया था कि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। जबकि कभी कभी बाध्यकारी साधनों के प्रयोग से संबंधित सरकारें परस्पर राजनयिक संबंध तोड़ लेती हैं, शांतिपूर्ण साधनों के प्रयोग से राजनीतिक संबंध बने रहते हैं। तो यदि मैं आप लोगों को बताऊं कि बाध्यकारी साधन कौन से हैं, उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य मुख्य साधनों की चर्चा हम यहाँ करेंगे। जैसे प्रतिकर्म सबसे पहला हम लेंगे। प्रतिकर्म एक अमैत्रीपूर्ण प्रक्रिया है, किंतु इसे हम युद्ध भी नहीं कह सकते। यह एक बाध्यकारी तरीका होते हुए भी दूसरे राज्य को नुकसान पहुंचाने का तरीका नहीं है। यदि एक राज्य दूसरे राज्य के प्रति अभद्र व्यवहार करता है, तो प्रभावित राज्य इस अभद्र व्यवहार के प्रतिरोध के रूप में कुछ कार्यवाही करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि राजनयिक संबंध तोड़ लिए जाते हैं, या राजनयिक विशेषाधिकारों एवं अन्य रियायतों को भी समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरह के कई कदम उठाए जाते हैं। दूसरे राज्य के अन्यायपूर्ण व्यवहार के बदले यह संबंधित राज्य की सामान्य स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगा देता है। सन 1904 में जब रूसी जल में मछली पकड़ने वाले जापानी जहाज़ों को निकाल दिया गया, तो जापान ने इसके प्रतिरोध में रूसी माल पर आयात कर लगाने की धमकी दी। भारत ने पुर्तगाल तथा दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध इस तरीके को अपनाया था। जब दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने भारतीयों के साथ रंगभेद की नीति को जारी रखा, तो भारत सरकार ने भी अपने देश में बसे हुए दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों के विरुद्ध अनेक प्रतिबंध लगा दिए और भारतीय हाई कमिश्नर को बुला लिया वहाँ से। सन 51 में जब चेकोस्लोवाकिया के ने अकारण ही कुछ अमरीकी नागरिकों को बंदी बनाए, तो अमरीका सरकार ने भी इस देश के साथ किए हुए व्यापारिक समझौतों को रद्द कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा उपाय है या साधन है, वो है प्रत्यपहार। प्रत्यपहार के अंतर्गत वे सभी बाध्यकारी प्रयास आ जाते हैं जो एक राज्य द्वारा राहत पाने के लिए किए जाते हैं। इसके अंतर्गत बदले की भावना से की गई प्रभावित राज्य की उन चेष्टाओं को लिया जाता है जिन्हें वह अपने कष्ट निवारण के लिए आवश्यक मानता है। ब्रियरली की परिभाषा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने प्रत्यपहार के बारे में बताया कि इसका अर्थ बदले की भावना से संपत्ति जब्त करना या व्यक्तियों को पकड़ना होता है। तो इसका तरीका वैसे प्राचीन काल से चला आ रहा है। एथेंस में भी ये प्रथा थी कि यदि कोई विदेशी किसी स्वदेशी को हानि पहुंचा दे, तो उसकी या उसके साथी की संपत्ति को जब्त किया जा सकता था। मध्यकाल में राज्य अपने उस नागरिक को प्रत्यपहार पत्र देते हैं जिसे दूसरे राज्य में न्याय से वंचित किया जाता है। तो प्रत्यपहार वे उपाय हैं जिनको एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध प्रतिकारात्मक कार्यवाही के रूप में अपनाता है, और इस कार्यवाही के कई रूप हो सकते हैं, जैसे किसी राज्य के माल का बहिष्कार, नौसैनिक प्रदर्शन, गोलाबारी तथा पोतावरोध आदि। प्रत्यपहार केवल तभी न्यायोचित माना जा सकता है जबकि वह राज्य अंतर्राष्ट्रीय अपराध का दोषी हो जिसके विरुद्ध यह किया जा रहा है। प्रत्यपहार के भी कई रूप होते हैं, जैसे निषेधात्मक, भावात्मक या विशेष और सामान्य प्रत्यपहार कहा जाता है जिन्हें। निषेधात्मक का तात्पर्य ऐसे कार्यों को न करने से है जो सामान्य रूप से आवश्यक समझे जाते हैं, जैसे संधियों का पालन या ऋण की अदायगी करना। इसी तरह से जैसे भावात्मक वे हैं जो सामान्य अवस्था में अंतर्राष्ट्रीय अपराध समझे जाते हैं, और विशेष प्रत्यपहार वे हैं जिनमें दूसरे राज्य के किसी कार्य के से क्षतिग्रस्त होने वाले विशेष व्यक्तियों को बदला लेने का अधिकार दिया जाता है। सामान्य प्रत्यपहार से तात्पर्य हानि पहुंचाने वाले देश के जहाज और संपत्ति को जब्त करने का अधिकार अपनी सब सेनाओं और प्रजाजनों को सामान्य रूप से प्रदान करना होता है।
1939 में जब जर्मनी ने समुद्रों को या समुद्रों में चुंबकीय सुरंगें बिछाकर व्यापारिक जहाजों को डुबोने का अवैध कार्य आरंभ किया, तो ब्रिटेन ने इसे रोकने के लिए तटस्थ देशों के जहाजों पर लदे हुए जर्मनी से किए गए निर्यात पदार्थों को जब्त करना आरंभ कर दिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार प्रत्यापहार का प्रयोग गैर कानूनी है, किंतु स्टार्क ने कुछ स्थितियों में इसको वैध भी माना है। कोरिया युद्ध के समय 18 मई 1951 को महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव इसका भी एक उदाहरण है, जिसमें कुछ प्रत्यापहार को वैध मान लिया गया था। फिर है तीसरा साधन अधिरोध। अधिरोध जैसा कि इसके शाब्दिक अर्थ है, बंदरगाहों में जहाजों को रोकना। एक देश बदले की भावना से दूसरे देश के व्यापारी जहाजों को अपने बंदरगाहों में प्रवेश या निष्क्रमण करने से रोक सकता है। इस नीति को अपनाकर एक राज्य क्षतिकर्ता राज्य को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य करता है। उदाहरण के लिए, जैसे सिलिकन सरकार ने इंग्लैंड के साथ की गई एक व्यापारिक संधि को तोड़ दिया। इसके बदले सन 1840 में ब्रिटेन ने भूमध्य सागर में सिलिकन जहाजों को रोक लिया और इस प्रकार का पोत अवरोध क्षतिपूर्ति करने के बाद समाप्त हो गया। सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भी भारत ने जापान, अमेरिका, जॉर्डन, सऊदी अरब, ब्रिटेन आदि के अनेक ऐसे जहाजों को बंदी बना लिया था जिसका लक्ष्य पाकिस्तान जाना था। इन जहाजों को युद्ध की समाप्ति के बाद ही भारत के प्रादेशिक समुद्र से बाहर निकालने की इजाज़त दी गई थी। तो इस तरीकों का प्रयोग दो कारणों से किया जाता है। पहला तो शत्रु की सप्लाई लाइन को काटना और उसे विदेशी सहायता से वंचित करना, तथा दूसरा अन्य राज्यों पर दबाव डालने के लिए किया जाता है कि वे शत्रु राज्य को मदद ना दें और समझौता करने के लिए बाध्य करें। तो बाध्यकारी साधनों में एक उपाय शांतिपूर्ण नाकाबंदी भी है। युद्ध काल में युद्धकर्ता राज्य एक दूसरे के बंदरगाहों की पूरी तरह से नाकाबंदी करते हैं। यही कार्य जब शांति काल में किया जाते हैं तो इसे शांतिपूर्ण नाकाबंदी कहते हैं। शांतिपूर्ण नाकाबंदी द्वारा प्रभावित राज्य को मजबूर किया जाता है कि वह कर्ता राज्य की इच्छाओं का आदर करे। यह साधन शक्तिशाली राज्यों द्वारा अपनी जल सेना के माध्यम से कमजोर राज्यों के विरुद्ध अपनाया जाता है। और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि इसके अंतर्गत दबाव डालने वाले देश के जहाज प्रभावित राज्य के बंदरगाहों और तटों को इस प्रकार घेर लेते हैं कि दूसरे देशों के साथ उसके व्यापारिक संबंध टूट जाते हैं। युद्ध नाकाबंदी और शांतिपूर्ण नाकाबंदी में केवल यही अंतर है कि युद्ध नाकाबंदी सभी देशों के जहाजों पर लागू होती है, जबकि शांतिपूर्ण नाकाबंदी केवल उसी राज्य के जहाज का प्रतिरोध करती है जिसे क्षतिपूर्ति वसूल करनी होती है। इसी तरह से अंतिम बाध्यकारी उपाय के रूप में है हस्तक्षेप। राज्यों के आपसी विवादों को सुलझाने का अन्य बाध्यकारी तरीका हस्तक्षेप है। दो राज्यों के विवादों को तय करने के लिए कभी कभी एक शक्तिशाली राज्य मध्यस्थ के रूप में हस्तक्षेप करने लगता है। यह तीसरा राज्य अपनी शक्ति के आधार पर विवाद के पक्षों को अपना सुझाव मानने के लिए बाध्य भी करता है। तो हस्तक्षेप बल प्रयोग द्वारा भी हो सकता है और राजनयिक तरीकों से भी। बल प्रयोग द्वारा हस्तक्षेप या बल प्रयोग की धमकी सहित हस्तक्षेप अंतिम रूप से युद्ध की ओर अग्रसर करते हैं, जबकि बगैर बल प्रयोग के हस्तक्षेप करके राज्य अपने विरोधी को अनेक शर्तें मानने के लिए मजबूर कर सकता है। वैसे हस्तक्षेप के बहुत सारे उदाहरण हैं, उनमें हंगरी में जैसे सोवियत हस्तक्षेप, इंग्लैंड, फ्रांस तथा इजराइल द्वारा मिस्र में हस्तक्षेप, अफगान में सोवियत हस्तक्षेप है 1979, और इसी तरह से हैती में अमरीकी हस्तक्षेप है 1994 का। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलता है। ओपनहाइम ने कहा कि हस्तक्षेप का अर्थ दो राज्यों के विवाद में तीसरे राज्य द्वारा
ऐसा तानाशाही पूर्ण हस्तक्षेप करना है जिसका उद्देश्य विवाद को हस्तक्षेपकर्ता राज्य की इच्छा के अनुसार सुलझाना होता है। तो इस तरह से हस्तक्षेप के द्वारा भी विभिन्न विवाद सुलझाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में भी बाध्यकारी साधनों के बारे में कुछ व्यवस्थाएं हैं, जैसे इसके चार्टर के अध्याय 7 में प्रमुख बाध्यकारी उपबंध की व्यवस्था की गई है, जो इस प्रकार कही जा सकती है। जैसे चार्टर की धारा 39 के अनुसार सुरक्षा परिषद शांति एवं सुरक्षा से संबंधित खतरों का पता लगाएगी और आक्रमणकारी का भी पता लगाएगी। इसी तरह से धारा 40 और 41 के अनुसार सुरक्षा परिषद आक्रमणकारी के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है तथा कूटनीतिक संबंधों के तोड़ने की सिफारिश कर सकती है। चार्टर की धारा 42 के अनुसार सेना का प्रयोग भी किया जा सकता है और बहुत बार सुरक्षा परिषद ने इन बाध्यकारी साधनों का सफलतापूर्वक प्रयोग भी किया था, जैसे खाड़ी संकट में या पैलेस्टाइन विवाद है, इंडोनेशिया विवाद है, ये प्रमुख विवाद ऐसे हैं जिसमें सुरक्षा परिषद ने बाध्यकारी साधनों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। धन्यवाद।